ताजा तरीन सच्ची और प्रमाणिक खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें NS Now। नमस्कार, NS Now देख रहे हैं आप। और 18 अक्टूबर की वो तारीख शिक्षा मित्रों के इतिहास में दर्ज हो गई जब शिक्षा मित्रों ने ऐलान किया कि आज आर पार की लड़ाई होगी, या फिर मुख्यमंत्री द्वारा वार्ता के लिए आना पड़ेगा, और या फिर शिक्षा मित्रों का धरना अनवरत जारी रहेगा। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और सरकार ने वार्ता के लिए शिक्षा मित्रों को बुलाया, जिसमें शिक्षा मित्रों की सरकार से वार्ता हुई और जिसके बाद सरकार ने कमेटी गठित की है और उसके बाद धरना को समाप्त कर दिया गया है। हालांकि जो कमेटी गठित हुई है, ऐसी ये कमेटी कई साल पहले भी शिक्षा मित्रों ने बताया कि गठित हुई थी और उसका अभी तक कोई रिपोर्ट सामने नहीं आया है। लेकिन 18 अक्टूबर को वार्ता के बाद जब कमेटी गठित हो गई, उसके बाद शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला ने बताया कि बेसिक शिक्षा प्रमुख सचिव, सचिव और निदेशक से वार्ता हुई है। उन्होंने लिखित आश्वासन दिया है कि मांगों को लेकर जल्द ही शासन स्तर पर एक समिति का गठन किया जाएगा और यह समिति प्रस्ताव बनाकर मुख्यमंत्री जी को सौंपेगी। उसके बाद मुख्यमंत्री जी ही निर्णय करेंगे कि शिक्षा मित्रों की किन मांगों को कैसे लागू किया जाता है। क्या उनके मानदेय में वृद्धि की जाती है, उनका नियमितीकरण किया जाता है, या फिर समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाता है। हालांकि इसको लेकर शिक्षा मित्रों में अभी से कयास लगने शुरू हो गए हैं। कुछ का कहना है कि दिवाली तक शिक्षा मित्रों को इस संबंध में बड़ा तोहफा मिल सकता है। कुछ का कहना है कि मानदेय वृद्धि होगी, कुछ का कहना है कि नियमितीकरण भी हो सकता है। चुनाव को देखते हुए शिक्षा मित्रों ने इस संबंध में काफ़ी लंबे कयास लगाने शुरू कर दिए हैं, लेकिन देखना होगा क्या दीपावली तक शिक्षा मित्रों को आर्थिक तंगी से राहत मिल जाएगी या फिर उनकी ये दिवाली भी आर्थिक तंगी के कारण फीकी पड़ जाएगी। तो देखने वाली बात होगी कि शिक्षा मित्रों के इस मसले पर सरकार का क्या रिएक्शन होगा, सरकार क्या फैसला करेगी, क्योंकि काफ़ी लंबे अरसे से शिक्षा मित्र अपनी मांगों को लेकर लगातार बीच बीच में धरना प्रदर्शन करते रहे हैं, लखनऊ जाते रहे हैं, और सरकार बार बार आश्वासन देती है लेकिन अब तक उनके मांगों पर सरकार की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। ऐसे में अब शिक्षा मित्रों को उम्मीद है कि इस आर पार की जो लड़ाई 18 अक्टूबर को हुई है, उसे शिक्षा मित्रों को अच्छा खासा फायदा मिल सकता है इस चुनावी वर्ष में। वैसे आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। NS Now पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।